नमस्कार आदाब, मैं निशात और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय आसनसोल। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के नौजवान उम्मीदवार सनी कुमार शाह को हाथी छाप में वोट देकर भारी मतों से कामयाब बनाए। आसनसोल लोकसभा निर्वाचन टीएमसी प्रार्थी शत्रुघ्न सिन्हा के जोड़ा फूले वोट दिए विपुल वोटे जयी करुन। नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल है पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है वो भी सिर्फ इनके लिए। आसनसोल में आ गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड नर्स स्कूल, जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल है, प्लान गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। तो चलिए आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर सीबीएसई बोर्ड, कंप्यूटर लाइब्रेरी ऑडियो व्यू। तो देर ना करे, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन। दर सुविधा गैलेक्सी अपार्टमेंट, वी टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। रेलवे स्टेशन फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। सहजाद हुसैन कराटे एकेडमी के 50 साल मुकम्मल होने पर गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में कराटे चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। हेड कोच शहबाज हुसैन ने जानकारी देते हुए कहा कि सहजाद हुसैन की याद में सहजाद हुसैन कराटे स्पोर्ट्स एकेडमी की जानिब से इसका इनेकाद किया गया है। इसमें तकरीबन 250 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। आज हम लोगों का गोल्डन जुबली का सेलिब्रेशन पे, एक्चुअली आज हम लोगों का एकेडमी का सजाद हुसैन कराटे स्पोर्ट्स एकेडमी का 50 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य पे हम लोगों ने एक गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में एक कराटे चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया है अपने एकेडमी के 50 साल होने के खुशी में और अपने सर के याद में सजाद हुसैन सर के, जिसको टीम सजाद हुसैन कराटे स्पोर्ट्स एकेडमी ऑर्गेनाइज कर रही है और WFS की वेस्ट बंगाल यूनिट सपोर्ट कर रहा है। तो हर डिस्ट्रिक्ट से, हर जगह से हम लोगों ने पार्टिसिपेट को इनविटेशन दिया था। अप्रॉक्स 250 पार्टिसिपेंट आज पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे और अच्छा इवेंट चल रहा है। आसनसोल में हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का इवेंट और भी बड़ा हो और आगे 50 साल हो चुका है, बट हम लोग चाहेंगे और 50 साल हम लोग इसको टाने, अपना सर का नाम को आगे करें, एकेडमी का नाम को आगे करें। आपका नाम? जी, मेरा नाम शहबाज हुसैन, मैं सजाद हुसैन कराटे स्पोर्ट्स एकेडमी और आसनसोल कराटे सेंटर का हेड कोच हूँ। हीरापुर थाने ने चोरी हुई बाइक को 72 घंटे के अंदर बरामद करके उसके मालिक के हवाले किया। बाइक मालिक श्यामल सरकार ने कहा कि 2 दिन कबल मैं राधानगर बहन के यहाँ गया था, वहीं से बाइक चोरी हो गई थी। हीरापुर थाने ने पुलिस ऑफिसर बिपिन पाल की क्यादत में आज़ाद नगर के राजा खान को बाइक के साथ गिरफ्तार किया और रिमांड पर लिया। अपना की नाम? अपना नाम श्यामल सरकार। भवन नाम? भवन नाम लेट जगन्नाथ सरकार। ठीक है ना? श्यामवान मुंशी प्रेमचंद रोड। अच्छा, सेदिन घटना की हुई? ঘটনা দুপুরবেলা 1টা নাগাদ আমি বনে বাড়ি যাই রাধানগর, ঠিক আছে। ওখানে নিচে বাইকটা রেখে উপরে লাঞ্চ করতে গিয়েছিলাম, উপর থেকে নেমে আসি ঠিক 2:30-2:25 নাগাদ, এসে দেখি আমার গাড়িটা ওখানে আর নেই। আমি সঙ্গে সঙ্গে বানপুর থানায় আসি, এসে পরে এখানে খবর দিই, বিপিন স্যার ছিলেন। তো বিপিন স্যার খবর দেওয়ার পর যথারীতি থানা থেকে এনাদের টিম সাথে সাথে আমাকে গাড়িতে করে আবার ওই স্পটে নিয়ে যায়, পুরো স্কুটনি করে করার পর আমাকে আবার বাড়িতে ছেড়ে দেয়। আমি পরে পরদিন প্রায় 2 দিন পর 72 ঘন্টা নাগাদ খবর পেয়ে যায় যে আমার গাড়ি থানায় রিটার্ন চলে এসেছে। এর জন্য আপনি কিছু বলবেন? থানার কার্যবিধি হিসাবে আমি দারুণ খুশি। এই গাড়িটা আপনারই? হ্যাঁ, আমারই গাড়ি।
को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्रीज, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए अपने सपनों का महल। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹500। यहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का करना हो इंटीरियर डेकोरेशन तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। बच्चों की पढ़ाई को और भी इंटरेस्टिंग एवं एडवांस बनाने के लिए आसनसोल में आ गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड, नर्सरी टू सीनियर सेकेंडरी। 10 से भी ज्यादा एकड़ में फैले स्कूल कैंपस में 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब्स, चिल्ड्रन पार्क सहित और भी कई फैसिलिटीज बच्चों की सुविधा के लिए। तो आप अगर अपने बच्चों का कराना चाहते हैं एडमिशन एक बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। हमारे यहाँ एडमिशन अभी जारी है। हमारा पता है बूढ़ा पाइपलाइन रोड, कालाझरिया, बर्नपुर। नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल बिकॉज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। 100 बेडेड आईपीडी यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर ओटीज, आईसीयू, एनआईसीयू, एचडीयू, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस विद फास्ट, फ्रेंडली, एक्यूरेट एंड अ हायर लेवल ऑफ केयर फॉर यू। हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल, 7133304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। अगर आप है परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर सीबीएसई बोर्ड। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कॉम्पिटिशन। हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर। आसनसोल या बर्नपुर के एरिया में आप किसी अच्छे 2BHK या फिर 3BHK की कर रहे हैं खोज, तो गैलेक्सी अपार्टमेंट होगा आपके लिए बेस्ट चॉइस। पर्सनल ट्रांसफार्मर, रिजर्वर, स्टेयर्स, लिफ्ट, सिक्योरिटी के साथ ही साथ पाए पार्किंग की बेहतर सुविधा। गैलेक्सी अपार्टमेंट, वी टर्न योर ड्रीम्स इंटू रियलिटी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट एवं हॉस्पिटल से है ये अपार्टमेंट काफी करीब, तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट करें। हमारा एड्रेस है नियर ASN प्ले स्कूल, साउथ सोस्टी नगर, स्माइल, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। क्या आप हैं एडवेंचरस, तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं।
मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़ NH-19 आसनसोल चितरंजन रोड आसनसोल। अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप खोज रहे हैं शॉप्स, तो इससे बड़ा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल हैं, वो भी सिर्फ 11,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस के साथ। आसनसोल रेलवे स्टेशन के करीब स्थित पायल मल्टी प्लाजा में कई फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे पार्किंग स्पेस, सिक्योर एनवायरनमेंट विद सेफ्टी फीचर्स, पावर बैकअप, वाटर स्टोरेज और भी बहुत कुछ। आने वाले समय में इस एरिया में होने वाले डेवलपमेंट का यह होगा एक अहम हिस्सा। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग करें और अपने बिजनेस को दे एक नई उड़ान। हमारा एड्रेस है नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन, पायल मल्टी प्लाजा, आसनसोल। भाजपा 200 के नीचे 175 में ही सिमट जाएगी, क्या बोलेंगे सर? मैंने वो उन्हीं बोलते हैं सर, हिंदी सर, हिंदी सर, हिंदी में 270 में सिमट जाएंगे। वेरी गुड, अगर हो जाए तो नथिंग लाइक इट। पर एक बात याद रखिएगा, ये 400 पार का ये जो घंटी हमने बजाई है, ये 400 हम क्रॉस करके ही दिखाएंगे। और अगर 400 से कम भी हुआ, हमको कुछ नहीं फर्क पड़ता। जब तक मोदी मैजिक रहेगा, ये भारत बीजेपी शासित देश रहेगा। चैप्टर तृणमूल कांग्रेस बारंबार बोलते हैं ईडी, सीबीआई, एनआईए, ये सब पूरे भय देखिए वोट केंद्र में चेष्टा करा होता है, मानुष ने कि समर्थन नहीं। ठीक है, तो वोटे बोला जाए, বলে কি হবে, ভোটে বোঝা যাবে, যদি না থাকে থাকবে না। কিন্তু মারামারি করে যেন ভোট নেবেন না, মারামারি করে ভোট নেওয়াটা ভোটিং নয় না, ফেয়ার গেম ইজ ফেয়ার গেম। বিভিন্ন জায়গায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছে, আজ মুর্শিদাবাদে ফের একবার, যেখানে সামনেই রয়েছে নির্বাচন, এ বিষয়ে কি বলবেন? এত বোমা কোথা থেকে আসছে? সেটা তো আমরা বলতে পারবো না, কারণ আমরা বোমা গুলি বোমা বোমা আমাদের পার্টি নেতৃত্ব খুব ক্লিয়ার করে বলে দিয়েছেন আমাদের कि हम संविधान से लड़ेंगे और संविधान से पराजित करेंगे। हम ये हिंसा ये सब चीज़ों में हम अपने आप को माने डालेंगे नहीं, इसके अंदर विश्वास नहीं करते। तो बोम तो कर भाई, तो बोम तो सब कुछ पाया जा, कोई तो बना रहा है, कोई बना रहा है, और वो हमारे राज्य में ही मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, किसको मानना है? पहली बात तो ये पूछे ना, ये बनाया किस लिए, किसको मारने के लिए? हम तो नहीं मारेंगे, तो आप किसको मारेंगे? तो मतलब लक्ष्य है दंगा करो, कोई लफड़ा करो, बीजेपी को बदनाम करो, बस। कल ही मुख्यमंत्री आसनसोल में आई थी और मोदी को लेकर बहुत सारी बात कहे हैं कि कहीं किसी भी राज्य में उनका कोई पूछ नहीं रहा है, और हर बार वो झूठ बोल रहे हैं। 400 बोलते ना कि पश्चिम बोलते नहीं उसको कुत्ते दिन मोदी को लेके बोली है कि किसी भी दूसरे किसी भी राज्य, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, कहीं भी उनको पूछा नहीं जा रहा, बंगाल में भी उनको वोट नहीं मिलेगा, और वो हर बार झूठ बोलते हैं। अच्छा, वेरी गुड। कौन बोल रहा है ये? ममता बनर्जी कल यही आई थी आसनसोल में, छत्रवादी। ये तो मैं मेरे लिए हार्ट अटैक हो जाएगा यार, कौन बोल रहा है कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? हाँ, अगर कोई बोले युधिष्ठिर तो समझे, लेकिन जो बोलने वाले ही थैंक यू। अरे बाप रे, আমি তো মনে করি সততা মাইনাস সততা ওনার প্রতীক, সন্দেশখালীতে যেভাবে মাইনাস সততার প্রতীক মনে করি, সন্দেশখালীতে যেভাবে উদ্ধার হচ্ছে মঙ্গলি, ওটা পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদে আজকে হলো বা বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে, এইগুলো তো উদ্ধার করার কোনো, দেখুন উনি তো বলছেন কি এটা সব সাজিয়েছে, তাই না? আমার নাটক, ঠিক আছে মানছি। এবার আমায় বলুন, আমি একই জায়গায় বারবার করে আমার নামটা খারাপ করবো কেন? আমার যদি বোম আর বন্দুকই করতো আর একটা জায়গায় করবো, আর একটা হাঙ্গামা হবে। ভেরি গুড, করুন না। আপনি যে বলছেন এটা সিবিআই রেখেছে, তা সিবিআই কি বোকা কেন? সিবিআই তো বোকা, ওইখানেই রাখবে, অন্য জায়গায় করবে, অন্য জায়গায় করবে, আর একটা হাঙ্গামা হবে। কেন, বিজেপির না ওরা, তাহলে বিজেপির ফায়দা হবে, কিন্তু করছে না, যদি বিজেপির ফায়দা হচ্ছে না তো ওই জায়গায় কেন হচ্ছে? সন্দেশখালী ওয়াজ মেন টু বি লাইক দিস, আর এইরকম সন্দেশখালী অনেক জায়গায় আছে যেটা এখনো প্রকাশ পায়নি। একবার আমার হাতে, আমাদের হাতে সরকার এলে পরে আপনাদের দেখিয়ে দেবো কি প্রত্যেক রাজ্যে এটা আছে। অসুস্থ
আপনি কি মনে করেন তার মতো মানুষ এই রাজ্যে রাজনীতিতে? একদম না, একদম। যে সাদা কাপড়টা পরেন না, ওখানে কেউ এইটুকু কালিও ছড়াতে পারবেন না। দ্যাটস সর্ট অফ এ ম্যান হি ইজ, বুঝতে পারছেন? ওনার সাথে কারো তুলনা করবেন না। বাংলার জন্য শিল্প নিয়ে কিছু ভাবনা চিন্তা থাকবে বিজেপি 400 পার হয়ে আসার পর? আমি বলছি তো, একটা প্রথম কথা, বড় গুড নিউজ পাবেন 400 পার হলে পরেই, সেটা পৃথিবী থেকে আওয়াজ উঠবে, দেখবেন। সেই নিউজটা সবাই জানেন, কিন্তু বিরাটভাবে আসবে সেই নিউজটা। আর যে সেটা বলবো না, জিজ্ঞাসা করবেন না। না, আমি হিন্ট তো দেবো, আমরা সবাই জানি একটা বিরাট হবে খেলা। আর আপনাদের বারবার বলেছি কে, যেদিন বিজেপি সরকার আসবে সেদিন আমাদের কাউকে কোথাও যেতে হবে না। সমস্ত বিজনেসম্যান দে উইল কাম টু আস, ওরা জানে এটা একটা স্থায়ী সরকার, সচ সরকার, সত্যি সরকার। সমস্ত সিকিউরিটি দিয়ে আমাদের বিজনেস হু করে বাড়িয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের কাজ হলো তৈরি করা, আমরা ভাঙি না। তো আমাদের কোথাও যেতে হবে না, আমি চ্যালেঞ্জ করছি। যেদিন বিজেপি সরকার ওথ নেবে বেঙ্গলে, আপনি রোজ শুনবেন নিউজ কে দে ওয়ান টু জয়েন, দে ওয়ান টু কাম, দে ওয়ান টু কাম। দ্যাটস কল বিজেপি। 35 পার করবে বিজেপি রাজ্যে, এইগুলো আমি বলতে পারবো না। কারণ দেখুন, আমি এখনো পুরোটা ঘুরিনি। আমি যখন ঘুরি, যখন বলি, তখন কাছাকাছি আসি আমি সবসময়। লোকসভা উপনির্বাচনে আপনি ভিডিও বার্তা দিয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থীর জন্য, এবার আপনি নিজে এলেন, নিজেও ঘুরলেন, কি বুঝছেন? তো বললাম আপনাকে, ভেরি, আমি স্যারকে বলছিলাম, স্যার ভেরি পজিটিভ ভাইবস যা পেলাম দেখলাম, মিটিংয়ে যাব, দেখব। দেখুন, একটা কথা বলে রাখি, আমি তো বলি না এসব কথা। দ্য ম্যান, আমাদের যে ক্যান্ডিডেট, আপনি তার, আপনি এনার ব্যাকড্রপটা দেখুন, 6 বারের সাংসদ উনি, নট ওয়ান্স, 6 টাইমস ইজ বিন ইন পার্লামেন্ট। এটা কোনো ইয়ার্কির ব্যাপার নয়, ইজ দ্য 7th টাইম। আমাদের অপোজিশনে যিনি আছেন তিনিও মানে একজন পুরনো সাংসদ, পুরনো রাজনীতিবিদ, উনি তাকে তো বিজেপিতেই ছিলেন, বিজেপি অনেক বড় নেতা ছিলেন, উনি মিনিস্টার ছিলেন। অ্যাজ এ পার্সন আমি টুকু এইটুকুই বলতে পারি, ভালো রাজনীতিবিদ, এটাও ভালো রাজনীতিবিদ। তফাত খালি কোথায় জানেন তো? হি হ্যাজ চুজন দ্য রাইট পার্টি অ্যান্ড স্যার হ্যাজ চুজন দ্য নেগেটিভ পার্টি। একটা দুর্নীতিগ্রস্ত পার্টির সাথে জয়েন হয়েছে, সেটা আমার দুঃখ। ইজ ফাইটিং উইথ দ্য টিকিট ফ্রম এ মানে মোস্ট করাপ্টেড পার্টি, সেটা আমার দুঃখ। কে, ওনাকে এই পার্টির এপি হওয়া উচিত ছিল না, এটা আমি মনে করি। আমি কেন করবো? উনি বিজেপি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছেন। আমি মনে করি ওনার মতো রাজনীতিবিদ, উনি তো অনেক দিনের রাজনীতিবিদ, আজকের তো নয়, আমার তো ছোট্ট বাচ্চা ওনার কাছে। হি হ্যাজ চুজেন এ রং পার্টি ফর দ্য এবিসি, দুর্নীতিগ্রস্ত পার্টি। আপনি যতই যাই করে নিক, আপনার গায়ে দাগ লাগবেই।